आज हम लोग पढ़ेंगे सामग्री व श्रमिकों के आधार पर प्राकलन। इसके पहले हम लोग चार प्राकलन पढ़ चुके हैं, इकाई या पटरी दर प्राकलन, कुर्सी क्षेत्रफल दर प्राकलन, घनी दर प्राकलन और प्रतिशत दर प्राकलन। ये जो प्राकलन पढ़े हैं हम लोगों ने वो प्रारंभिक प्राकलन के भाग थे। प्रारंभिक प्राकलन पांच प्रकार के होते हैं, चार पढ़ चुके हैं, पांचवा ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सामग्री व श्रमिकों के आधार पर जो प्राकलन होता है उसमें होता क्या है, जो भी जमीन होती है, जो भी प्लॉट होता है, उसको हम प्रति वर्ग मीटर में बांट लेते हैं और उस प्रति वर्ग मीटर में जितनी सामग्री लग रही है और जितनी मजदूरी लग रही है उन दोनों को जोड़ लेंगे। जो लागत निकल के आएगी वही हमारा सामग्री व श्रमिकों के आधार पर प्राकलन हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर देख लीजिए कि जो भी प्लॉट रहेगा, जो भी प्लॉट एरिया रहेगा, उसका प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में जो सामग्री रहेगी और जो मजदूरी लगेगी उसकी जो लागत निकल के आएगी वो हमारा क्या होगा, सामग्री व श्रमिकों के आधार पर प्राकलन हो जाएगा। यहाँ पे परिभाषा दी है, उसको देख लीजिए आप लोग। इस प्राकलन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री तथा मजदूरी का आकलन प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल के आधार पर लगाया जाता है और दोनों की लागत का योग निर्माण कार्य की प्राकलित लागत मान ली जाती है। यहाँ पे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ विशिष्टियाँ दी हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए यह आंकड़े 30 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल के लिए ही मान्य है, मतलब 30 से लेके 300 तक के लिए मान्य है। विशिष्टियाँ जो हैं देखिए, नींव के लिए दी है, दीवार के लिए दी है, लिंटल के लिए दी है, फर्श के लिए दी है, छत के लिए दी है कि नींव कैसा होगा, सीमेंट कंक्रीट का होगा, नींव की जो ईंट चिनाई होगी एक संबंधी 6 होगी, सील रोक रद्दा एक संबंधी 2 संबंधी 4, यदि 38 mm मोटा है तो यहाँ पे ये 15 cm मोटी रहेगी सीमेंट कंक्रीट नींव में। दीवार के लिए दिया है ईंट चिनाई सीमेंट मसाला एक संबंधी 6 का रहेगा, लिंटल धरन छज्जा ये सब जो है RCC का रहेगा वो भी एक संबंधी 2 संबंधी 4, फर्श जो है सीमेंट कंक्रीट का रहेगा एक संबंधी 2 संबंधी 4 38 mm, टॉपिंग के नीचे एक संबंधी 5 संबंधी 10, छत जो है प्रबली सीमेंट कंक्रीट स्लैब पर चूना कंक्रीट टेरेसिंग रहेगी, औसत मोटाई 11 cm रहेगी। अगर 4 मंजिला RCC फ्रेम भवन है तो प्रबलित कंक्रीट फ्रेम भवन, नींव की गहराई 2 मीटर, RCC कॉलम फुटिंग रहेगी 1 संबंधी 2 संबंधी 4, आधार कंक्रीट 1 संबंधी 4 संबंधी 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें और आप लोग को हम बता देते हैं। ये चार्ट दिया है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जैसे एरिया आपका गिवन होगा, जिस भी एरिया के लिए ईंट निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है। अगर एक तली भवन है ये फार्मूला है, जब 2 तली भवन है और जब 4 तली भवन है तो ये फार्मूला है, 1 तली भवन के लिए, 2 तली के लिए और 4 तली के लिए। सीमेंट निकालना है तो उसका फार्मूला है, इस्पात निकालना है मतलब स्टील निकालना उसका फार्मूला है, बालू निकालना है तो उसका फार्मूला है, गिट्टी निकालना है तो उसका फार्मूला है, 40 mm के लिए अलग, 20 mm के लिए अलग, रोड़ी ईट की है तो उसके लिए चूना निकालना उसके लिए, सुर्खी के लिए अलग है, लकड़ी के लिए अलग है, प्राइमर के लिए अलग है, पेंट के लिए अलग है। तो ये सारे फार्मूले हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है ये देख लिए। ये कुर्सी क्षेत्रफल दी है तो उसके लिए क्या है, आपको राजमिस्त्री कितने लगेंगे वो निकाल सकते हैं, बढ़ई कितने लगेंगे वो निकाल सकते हैं, पेंटर कितने लगेंगे, लोहार कितने लगेंगे, मजदूर कितने लगेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर एरिया आपको दिया हुआ है, फार्मूला दिया है सबका, एक तली के लिए, दो तली के लिए, चार तली के लिए। यहाँ पे देखिए सीमेंट निकालना है, बालू निकालना है, गिट्टी निकालना है, इस्पात निकालना है, उसके लिए दिया है फार्मूला। अगर सब स्ट्रक्चर में ये चीज़ ध्यान दीजिए, यदि अधः संरचना है, सब स्ट्रक्चर है तब, ठीक है, सब स्ट्रक्चर जानते हैं ना, अंदर रहेगा मतलब ज़मीन के तब। इसे ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, और ऊपर वाले को सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पे एक तली भवन है, एक तली भवन है, एक तली, और उसका क्षेत्रफल दिया गया है 80 वर्ग मीटर, और फार्मूला है, फार्मूले पर रख रख के निकाला गया है टोटल, फिर ऐड कर लिया गया है कितनी कॉस्ट आएगी, सामग्री का योग लिया गया है, फिर उससे कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना खर्चा आएगा वो निकल के आ जाएगा। फिर ये तो सामग्री हो जाएगी, ठीक है, अभी मजदूरी का भी चार्ट है। मजदूरी यहाँ पे देखिए, मजदूरी कैसे निकलेगी, मजदूरी में कितने राजमिस्त्री लग रहे हैं, कितना मजदूर, कितना बढ़ई, कितना पेंटर, कितना लोहार, ये सारी चीज़ें, फिर उसका योग है, फिर कॉस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे सबका तो निकल के आ जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सामग्री, मजदूरी और कार्य प्रभारी।